सेथ रॉलिंस ने किया ड्रू मैकइंटायर पर हमला, एमवीपी और रे मिस्टीरियो ने किया अपना रिटर्न, और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो आज की रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही रही है। आज की रॉ की जो सही थिंग थी वो ये कि गाइज इससे हमें सारे रेसलर्स के फ्यूचर के बारे में संज्ञान मिल गया। शुरुआत की बात की जाए तो वो हमें देखने को मिली है ड्रू मैकइंटायर की एंट्री के द्वारा। तो ड्रू मैकइंटायर ने आज की रॉ का किक ऑफ किया, वो रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों एक छोटा सा प्रोमो काटते हैं। इस प्रोमो के अंदर सबसे पहले वो अपनी जीत को डिस्कस करते हैं, जो कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर उन्होंने पाई रेसलमेनिया में, और उसके बाद ये चीज भी बताते हैं कि कैसे उन्हें रेसलमेनिया के बाद बिग शो को फेस करना पड़ गया। इसी बीच दोस्तों हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है अंद्रादे का। अंद्रादे अपनी फ्रेंड यानी कि ज़ेलिना वेगा के साथ रैंप के ऊपर आ रहे हैं, जहां दोस्तों बातों में तकरार होती है और मैच बन जाता है चैंप वर्सेस चैंप। ये मैच दोस्तों मेन इवेंट में होना था और इस मैच की नींव इस तरीके से रखी जाती है कि अंद्रादे दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को वो वाली इंजरी याद दिलाते हैं जो कि NXT में उन्होंने दी थी ड्रू को, जिस पर दोस्तों ड्रू काफी ज्यादा गुस्सा जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि तेरी सारी की सारी गर्मी में आज निकाल कर ही रहूंगा। तो इस तरीके से दोस्तों मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई और शुरुआत में ये चैंप वर्सेस चैंप तगड़े वाला मैच बन गया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके खत्म होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों आस्का का मैच। तो आस्का दोस्तों आज एक क्वालिफायर का मैच थी, ये मनी इन द बैंक का क्वालिफायर था। आस्का को फेस करना था दोस्तों आपकी रूबी रायट को। मैच हुआ, मैच के अंदर दोस्तों रूबी रायट को आस्का ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना लॉक यानी कि आस्का लॉक लगाकर उन्हें सबमिट करा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आस्का यहां विजय रही और साथ ही साथ मनी द बैंक के लिए क्वालिफाई भी कर गई। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था MVP का लॉन्च। MVP दोस्तों बैक स्टेज हमें अपने शो यानी कि लॉन्च में दिखाई देते हैं, जिसके अंदर MVP ये चीज बताते हैं कि वो रॉ में लौट चुके हैं और नेक्स्ट वीक वो एक फाइट भी देंगे, जिसके अंदर वो फेस करेंगे अपोलो क्रूज को, और ये दोस्तों एक तरीके का क्वालिफाई होगा मेंस की मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए। तो दोस्तों यहां हमें रिटर्न होते हुए नजर आ गया MVP का। साथ ही साथ गाइस WWE वाले फिर हमें तीन और मैचेस कंफर्म करते हुए बताते हैं, जहां सबसे पहला मैच वो कंफर्म करते हैं बड़ी मर्फी बनाम रे मिस्टीरियो के मध्य, ये भी एक क्वालिफायर होगा जो कि नेक्स्ट वीक होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा मैच जो कि आपको मैंने अभी बताया यानी कि MVP वर्सेस अपोलो, और तीसरा मैच जो कि क्वालिफायर में हम लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा अलस्टर ब्लैक बनाम ऑस्टिन थ्योरी के मध्य। तो गाइस ये तीन क्वालिफायर वहां कंफर्म किए गए। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो था अलस्टर ब्लैक का ही मैच। अलस्टर ब्लैक ने फेस किया ओनी लोरकन को। मैच थोड़ा सा बढ़िया था और थोड़ा सा बुरा भी, क्योंकि इसका रिजल्ट सभी को पता था क्या आना है। ओनी लोरकन दोस्तों इस मैच को नहीं जीत पाया और अलस्टर ब्लैक ने इसमें ब्लैक मास्क लगाकर जीत अर्जित की। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो काफी इंपॉर्टेंट थी, वो थी गाइस बैकी लिंच का फ्यूचर। तो बैकी लिंच जिसके ऊपर माना जा रहा था कि वो फेस करेगी आगे जाकर शेना को, वो शेना को फेस नहीं करने वाली, क्योंकि यहां दोस्तों बैकी लिंच आई, उन्होंने प्रोमो काटा उस महिला के ऊपर जो कि मनी इन द बैंक को जीतने वाली है। बैकी ये चीज बोली है कि मनी इन द बैंक PPV होने वाला है 11 मई को, लेकिन उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी महिला मनी इन द बैंक को जीतेगी वो उनके हाथ का शिकार बनेगी। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट यहां दोस्तों बैकी लिंच ने रख दी थी। बात की जाए बैकी लिंच के जाने के बाद क्या कुछ हुआ है, वाइस बैकी लिंच के जाने के बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था गाइज शेना बेजलर का। तो शेना बेजलर जो कि काफी बड़ी हार हारी हुई है रेसलमेनिया के अंदर, वो एक हफ्ते के बाद हमें यहाँ रिटर्न करते हुए नजर आई है। वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि उन्होंने फेस किया है सेरा लोगन को। ये मैच भी दोस्तों एक तरीके का क्वालिफायर था और इसके अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला कि जो शेना बेजलर है उन्होंने बाह तोड़ दी सेरा लोगन की, जिसके तहत रेफरी ने घंटी बजा दी और शेना को दोस्तों उन्होंने विनर घोषित कर दिया। शेना वहां से निकल गई और जो आपकी सेरा लोगन है वो दर्द से चीखे मारती रही। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस सेरा लोगन के इंजर्ड होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था गाइस अंद्रादे सियान अल्मस के चेलो का मैच। तो अंद्रादे सियान अल्मस ने अपने चेले इकट्ठे कर दिए, तो ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों अकीरा तोजावा को फेस किए। इस मैच के अंदर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी विजय रहते हैं, जिसके बाद दोस्तों जो ये नई गैंग बनी है रिंग के अंदर आकर अकीरा तोजावा पर हमला भी करती है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो का रिटर्न देखने को मिला। रे मिस्टीरियो ने दोस्तों बैक स्टेज एक तरीके का इंटरव्यू दिया, जहां दोस्तों उन्होंने चार्ली के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि अब वो रिटर्न कर चुके हैं और मनी इन द बैंक का जो क्वालिफायर उनका नेक्स्ट वीक होने वाला है अगेंस्ट बड़ी मर्फी, इसके अंदर वो जीतेंगे।
फिर मनी इन द बैंक के अंदर जाएंगे और ब्रीफ केस अपने नाम करके फिर से चैंप बनेंगे। तो काफी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ रे मिस्टीरियो ने अपने रिटर्न पर रख दी है। रे मिस्टीरियो इससे पहले सेल्फ क्वारंटाइन थे, लेकिन गाइस अब उनका रिटर्न हो चुका है, हर हफ्ते में देखने को मिलेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ बात होगा, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था गाइस फिर से अंद्रादे सियान अल्मस के चेलों का मैच। तो इस बार दूसरा चेला आ गया, यानी कि एंजल गार्जा आ गए। एंजल गार्जा ने दोस्तों फेस किया एक जॉबर को जिसका नाम मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। वेल बेसिकली उस जॉबर को फेस करते हुए दोस्तों एंजल गार्जा ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और इस तरीके से एंजल गार्जा इसमें विजय है। मैच के बाद दोस्तों फिर से ये तीनों दोस्तों रिंग में आकर अपना आइकन या फिर कह लीजिए निशान बनाते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइज यहाँ दोस्तों इन मैक्सिकन बंदों की जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था गाइज ड्रू मैकइंटायर का इंटरव्यू। तो ड्रू मैकइंटायर का दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू लिया जाता है, जहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर एड्रेस करते हैं अंद्रादे सियान अल्मस को और बताते हैं कि कैसे NXT में उन्होंने उनसे उनके जीवन के 6 महत्वपूर्ण महीने छीने थे। वो बताते हैं कि वो उस वक्त चैंपियनशिप की दौड़ में थे और अंद्रादे ने उन्हें इंजर्ड कर दिया था, लेकिन आज वो जब WWE चैंपियन तो वो उनसे बदला लेंगे और मेन इवेंट में ड्रू की ही जीत होगी। तो ड्रू ने भी दोस्तों यहां स्टेटमेंट रख दी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, वह इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था नाया जैक्स वर्सेस काइरी सेन, और ये भी था दोस्तों एक तरीके का मनी इन द बैंक का क्वालिफायर। इस मैच की बात करूं तो शुरुआत में दोस्तों काइरी सेन अपने मूव सेट्स लगाने की कोशिश करती है, लेकिन साइज में दोगुनी दोस्तों नाया जैक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैच का अंत इस तरीके से आता है कि गाइस वहां एक तरीके की समूहन ड्रॉप लगा देती है आपकी नाया जैक्स और कर देती है काइरी सेन की पिन। दोस्तों नाया जैक्स ने स्क्वाश कर दिया काइरी सेन को और इस तरीके से नाया जैक्स भी अब मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो थी द क्वीन की एंट्री। द क्वीन शार्लेट फ्लेयर हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ के अंदर। यहाँ दोस्तों कमेंटेटर्स ने बताया कि वो रॉ का पार्ट है तो वो रॉ में आती जाती रहा करेगी, इसलिए दोस्तों हमें आज मंडे नाइट रॉ में क्वीन के दर्शन हुए। क्वीन आई, उनके कंधे पर दोस्तों NXT की चैंपियनशिप थी, वुमन चैंपियनशिप थी, और उन्होंने डिस्कस किया रिया रिप्ली को। ये चीज बोली कि रिया मैं कभी भी मूर्ख नहीं हुई हूँ, ना ही मेरा डिसीजन मूर्खता वाला था। मैंने कहा कि मैं बेकी को फेस नहीं करूंगी, मैं फेस नहीं करूंगी, बेली को मैं तुझे फेस करूंगी और आज मैं चैंपियन हूं और एक बात जान ले मैं आगे चैंपियन ही रहूंगी और डोमिनेट इसी तरीके से करती रहूंगी। हाँ दोस्तों रिया रिप्ली के ऊपर उन्होंने काफी ह्यूज शॉट लिया है, साथ ही साथ उन्होंने ये चीज भी बताई अंत में कि इयो शिराय के साथ उनका नेक्स्ट मैच होने वाला है, लेकिन इयो शिराय भी हार जाएगी और शार्लेट फ्लेयर उसके अंदर विजय रहेगी। तो यहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ने काफी बढ़िया स्टेटमेंट रखी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था बॉबी लैशली का मैच। बॉबी लैशली लाना के साथ आ रखे थे, हल्की मुल्की दोस्तों इनके बीच में खटपट होती है मैच के मध्य, लेकिन गाइस इस मैच के अंदर वो फेस कर रहे थे आपके होजे को और होजे किस तरीके रेसलर है आप जानते हैं, वो दोस्तों WWE द्वारा जॉबर बना दिए गए और लैशली ने दोस्तों उन्हें स्क्वाश कर दिया, स्पीयर लगाकर उन्हें हरा दिया। इसके पश्चात दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है वो था वाइकिंग रेडर्स का। वाइकिंग रेडर्स दोस्तों एक्शन में देखने को मिले, जहां उन्होंने फेस किया ब्रांड न्यू टीम यानी कि रिकोशे और सेड्रिक अलेक्जेंडर की टीम को। यहां दोस्तों मैच की बात करूं तो मैच के अंदर आप सभी को यही चीज लगी होगी कि वाइकिंग रेडर्स इसके अंदर स्क्वाश कर देंगे इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों साइज में काफी ज्यादा कम है वाइकिंग रेडर्स के, लेकिन दोनों ने बहुत अच्छा मैच पुट किया है। मैच के अंदर दोस्तों कई कई मूवमेंट्स ऐसे भी थे कि लगता है कि यहाँ रिकोशे जो है वो मैच को अपने नाम ले जाएंगे, वो मैच को एक तरीके से जिता जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों जो अंताना था उसी तरीके से आया। वाइकिंग रेडर्स ने दोस्तों इसके अंदर फिनिशर लगाकर एक बॉच फिनिशर लगाकर अपनी जीत सिक्योर की और इस तरीके से वाइकिंग रेडर्स इसमें विजर है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज दिखाई देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले, जो कि अपनी पत्नी यानी कि खासकर मोंटेज की पत्नी बियांका ब्लेयर को एड्रेस करते हैं, उन्हें बुलाते हैं वहां। बियांका ब्लेयर वहां आती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक तरीके से बताया जाता है कि वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाली है, ऑफिशियली रॉ के अंदर आ चुकी है, जिस पर बियांका उन्हें जज भी करती है। जब दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले ये चीज कहते हैं कि वाइकिंग रेडर्स को इन फ्यूचर फेस करने के लिए तैयार है, उन्हें पहले भी हराए, जिस पर दोस्तों बियांका कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने कभी भी उन दोनों को नहीं हराया, हमेशा उनसे तुम हारे ही हो, जिस पर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले अजीब सा मूव बना देते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो साफ सी बात है दोस्तों आगे जाकर आपको स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस वाइकिंग रेडर्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा, जहां रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप दाव के ऊपर होगी। ये दोस्तों मैच यहां बना। बात की जाए अब मेन इवेंट की तो उसके ठीक बाद हमें देखने को मिला है
मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों ड्रू मैकइंटायर बनाम अंद्रादे सियन अल्मस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंप वर्सेस यूएस चैंप के मध्य चैंप वर्सेस चैंप। मैच की शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत में दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि जो अंद्रादे वो अकेले नहीं आते, अपने इन सभी चेलों के साथ आते हैं। ड्रू मैकइंटायर अकेले आते हैं, मैच होता है शुरू। मैच के अंदर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर चॉप के साथ शुरुआत करते हैं, चॉप पर चॉप, बिल्कुल लाल चेस्ट कर देते हैं वहां अंद्रादे सियन अल्मस की। अंद्रादे को दोस्तों आउटसाइड मदद आने की गुंजाइश थी जो कि ढंग से नहीं आ पाई और अंत इस तरीके से हुआ कि गाइस ड्रू मैकइंटायर ने अंद्रादे को क्लेमोर लगाकर हरा दिया। जिसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिली कि सेथ रॉलिंस वहां भागते हुए आते हैं और जो इंटरप्शन वहां पैदा हुई थी मैच के खत्म होने के बाद उसका फायदा उठाते हुए कर्ब स्टॉम्प धर देते हैं ड्रू मैकइंटायर को। उसके बाद एक और कर्ब स्टॉम्प और रॉ हो जाती है खत्म। यहां दोस्तों सारे डाउट्स हो चुके हैं क्लियर और आगे जाकर जो मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए वो होगा ड्रू मैकइंटायर बनाम सेथ रॉलिंस के। बट आज की वीडियो इतनी सी, तो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और रॉ को कितनी रेटिंग देंगे ये जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शपथ है।